तो भाई आज के इस वीडियो के अंदर एक ऐसे बैंक अकाउंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसने मार्केट के अंदर फैसिलिटी कम और कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट कर रखी है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट। इसमें मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके इसके हिडन चार्जेस तक टोटल रिव्यू देने वाला हूं। और भाई मजे की बात तो यह है कि मेरा इसमें खुद का अकाउंट था और मैं आपको रीजन बताऊंगा कि मैंने इसे क्यों बंद करवा दिया। तो भाई चलो कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो वीडियो में मैं आपको आगे लेके जाऊं, उससे पहले इस अकाउंट से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन है पहले उन्हें क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो इस बैंक को कभी भी एक ट्रेडिशनल बैंक के साथ कंपेयर मत करना, लाइक आईसीआईसी, एचडीएफसी या फिर एसबीआई। ये एक पेमेंट बैंक है। आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूँ। पेमेंट बैंक वो बैंक होता है जो कि हमें बैंकिंग सर्विस तो प्रोवाइड करता है लेकिन बहुत ज्यादा लिमिटेशंस के साथ। ना तो आपको इसमें लोन का ऑप्शन दिखेगा और ना ही कोई क्रेडिट कार्ड का। ये एक उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है जहां पे अभी भी ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट की सर्विस नहीं पहुंची है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट ब्रांच नोएडा में है लेकिन एक्सिस कौन कर पा रहे हैं, हम जैसे हरियाणा में बैठे लोग भी। अभी भी लोग इस वहम में जी रहे हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट दोनों सेम है। इवन यहाँ तक कि वो ये करते हैं कि उनका पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट होता है, वो गूगल पे जाते हैं, एड बैंक पे क्लिक करते हैं और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पे क्लिक करते हैं। उनका अकाउंट था पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में लेकिन क्लिक किस पे कर रहे हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पे। भाई एरर आ जाता है, फिर वो सोचते हैं कि मेरा नंबर ही लिंक नहीं है। भाई दोनों ही बैंक अकाउंट अलग अलग हैं, पेड एक ही है लेकिन दोनों टहनियाँ डिफरेंस हैं। आप एक टहनी पे बैठ के दूसरी टहनी को एक्सेस नहीं कर सकते, ये सी ध्यान रखना। एक लास्ट कंफ्यूजन और क्लियर कर देता हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के पास कितने तरह के अकाउंट है और जो आप अकाउंट ओपन करने वाले हो या फिर ओपन कर चुके हो वो कौन सा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से टोटल तीन तरह के अकाउंट आते हैं जो कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से ओपन कर सकते हैं। सबसे पहला है डिजिटल सेविंग अकाउंट, नाम से आपको पता चल रहा है इसे हम ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं और यही वाला वो अकाउंट है जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ऑनलाइन ओपन होता है। बाकी इसके अलावा जितने भी हैं सारे ऑफलाइन ओपन होते हैं। लेकिन इस अकाउंट की मैक्सिमम एज 1 साल है। 1 साल से पहले पहले आपको फुल केवाईसी कंप्लीट करवानी पड़ेगी पोस्ट ऑफिस में जाके। जब आप अपनी फुल केवाईसी कंप्लीट करवा लेते हो तब जो आपका डिजिटल सेविंग अकाउंट है वही बन जाता है आपका रेगुलर सेविंग अकाउंट। भाई रेगुलर बन गया और फुल केवाईसी होगी तो ये मत समझना कि हम इसमें आधा पैसा रख सकते हैं। मैक्सिमम 2 लाख, 2 लाख से ऊपर रखोगे वही आपका अकाउंट फ्रीज और फिर आपको ब्रांच के चक्कर काटने हैं। लेकिन भाई एक तरीका ऐसा है जिसका यूज करके आप 2 लाख छोड़ो आप विदाउट एनी लिमिट अपने अकाउंट के अंदर पैसा रख सकते हो। लेकिन इसको अभी एक्सप्लेन करना बेकार है, पहले अकाउंट के बारे में जान लेते हैं उसके बाद मैं ये भी बता दूंगा आपको। लास्ट बैंक अकाउंट आता है बेसिक सेविंग अकाउंट। ये एक ऐसा बैंक अकाउंट है जो कि लिमिटेशंस के साथ तो आता ही है प्लस में ये ऑफलाइन ओपन होता है। तो भाई इस अकाउंट को खोलने से बढ़िया है हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट के अंदर, हम उसे ट्राई कर सकते हैं। ये एक ओवरव्यू था तीनों बैंक अकाउंट का। अब जो डिजिटल सेविंग अकाउंट है उसे देखते हैं हम। अब भाई इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट ऑनलाइन ओपन करने के लिए आपकी ये सबसे पहले तो 18 प्लस होनी चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और इनकी एप्लीकेशन आती है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक मोबाइल एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड कर लेना, उसके थ्रू आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब भाई इस अकाउंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बता देता हूं मैं आपको। इस अकाउंट के अंदर आप मिनिमम 0 बैलेंस, इतना तो पता लग गया होगा, 0 बैलेंस अकाउंट है। ना तो 1 पैसा ओपन करते वक्त लगाना है और ना ही 1 पैसा मेंटेन करके रखना है। और आप इस अकाउंट के अंदर मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक ही रख सकते हो। इस अकाउंट में आपको एनुअली 2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा और भाई लिटरली बता रहा हूँ इससे बढ़िया तो SBI में प्रोवाइड कर देता है। और जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा हर 3 महीने पे आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो भाई अभी बात करते हैं इस अकाउंट के डेबिट कार्ड के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कोई भी फिजिकल डेबिट कार्ड प्रोवाइड नहीं करवाता, वो सिर्फ एक वर्चुअल डेबिट कार्ड ही देता है। उसके लिए भी आपको इश्यू करवाने पे 25 रुपए देने हैं, उसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 25 रुपए देना है और अगर उस कार्ड को आप रीइश्यू भी करवाते हो तो भी 25 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। आज के डेट में ऐसे बहुत सारे बैंक अकाउंट हैं जो कि अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड हमें लाइफ टाइम के लिए फ्री प्रोवाइड करते हैं और पता नहीं इस अकाउंट का क्या बवाल है। अब आपको धीरे धीरे पता चल रहा होगा कि मैंने इस अकाउंट को क्यों बंद करवाया। फिजिकल डेबिट कार्ड ना देना मेरे को एक ड्रॉबैक जैसा लगा। अब मान के चलो कि मेरे को इमरजेंसी में पैसे की जरूरत है और ATM से मैं पैसे ना निकाल पाऊं, क्या फायदा यार इस अकाउंट का। और भाई एक गलती आप भी मत करना, इस अकाउंट को कभी भी प्राइमरी बैंक अकाउंट मत बनाना। लास्ट बात करते हैं इस बैंक अकाउंट के हिडन चार्जेस की। तो सबसे पहले तो आपको हर 3 महीने पे 10 रुपए SMS अलर्ट के चार्ज देने पड़ेंगे। उसके बाद मैंने वर्चुअल डेबिट कार्ड का बताई दिया आपको, पर एनम 25 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप इस बैंक अकाउंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो सिंपली आप क्रोम पे सर्च कर सकते हो moneymode.in, इस चैनल का नाम प्लस में .in लगा देना। मैंने वेबसाइट हिंदी में बनाने की कोशिश करी है लेकिन जो भी डेटा इस पे अवेलेबल है वो पूरा अपडेटेड है। आपको वहां पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का आर्टिकल मिल जाएगा, आप उसे पढ़ सकते हो। भाई इतना बता रहा हूँ वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर मिल जाएगा। अगर आप सीरियस हो तो ही जाना, वरना भाई ये वीडियो भी आपके लिए इनफ है। लेकिन उस वेबसाइट को बनाने का सबसे मेन मोटिव मेरा यही था कि लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए। अभी मान के चलो कि मैंने ये वीडियो क्रिएट कर दी, अब फ्यूचर में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अपने अकाउंट के अंदर कुछ भी चेंजेस करता है तो भाई इस वीडियो के थ्रू आपको तो गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यानी कि जो 5 इन्फॉर्मेशन थी वही मिलेगी। अब आर्टिकल में क्या है कि मैं उसे कभी भी चेंज कर सकता हूँ। अगर वहाँ पे अपडेटेड हुआ, कुछ बैंक ने अपडेट किया, मैं उसे अपने आर्टिकल के अंदर भी अपडेट कर सकता हूँ। मेरा मेन मोटिव ये है कि जो भी बंदा आ रहा है उसे सही इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए बस। तो भाई अभी मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जिसकी मदद से आप अपने अकाउंट के अंदर 2 लाख से ऊपर का भी अमाउंट रख सकते हो। अभी मान के चलो कि आपके पास इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट है फुल KYC वाला, तो सिंपली आपको क्या करना है
इनके ब्रांच जाना है और जो इनका पोस्ट ऑफिस सेविंग वाला अकाउंट है उसे भी ओपन करवाना है। अब ये लोग क्या करेंगे कि आपके दोनों अकाउंट को कनेक्ट कर देंगे। अब भाई दोनों अकाउंट कनेक्ट होने के बाद अगर आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर 2 लाख से ऊपर का अमाउंट रखते हो तो वो अपने आप जो आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है उसके अंदर चला जाता है। और ध्यान रखना, आपको जितने भी ये दोनों अकाउंट खोले हैं इनकी फुल केवाईसी करवानी पड़ेगी। अब यार देखो, ये जो तरीका है वो बकवास तो नहीं है लेकिन बवाल बहुत ज़्यादा है। अगर मैं एक आम आदमी की नज़र से देखूं तो मेरे को सबसे पहले तो अकाउंट खुलवाना है ऑनलाइन, उसमें भी मेरे को 1 लाख की लिमिट दी जाती है, मेरे को फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा, फुल केवाईसी के बाद भी मेरे को 2 लाख की लिमिट मिलती है। और अगर मैं 2 लाख से ऊपर भी रखना चाहूं मेरे को एक और बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। मतलब कि एक ही अकाउंट को मैनेज करने के लिए मेरे को 2 अलग अलग तरह के बैंक अकाउंट ओपन करवाने पड़ेंगे। भाई मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, इतना बवाल पालने से बेहतर है आप कोटक का 811 अकाउंट या फिर AU बैंक का जो 010 बैंक अकाउंट है उसे ओपन कर सकते हो। फुल केवाईसी घर बैठी हो जाएगी, फिजिकल डेबिट कार्ड वर्चुअल डेबिट कार्ड दोनों का ऑप्शन है। फिजिकल डेबिट कार्ड में आपको चार्जेस देने पड़ेंगे लेकिन वर्चुअल डेबिट कार्ड लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलेगा आपको। जीरो बैलेंस का अकाउंट है, ना तो इनिशियल डिपॉजिट करनी है और ना ही अकाउंट के अंदर बैलेंस मेंटेन करके रखना है, लाइफ टाइम के लिए फ्री अकाउंट मिलने वाला है आपको। और भाई इन दोनों अकाउंट में किसी में भी फुल केवाईसी करवाने के बाद आपको मैक्सिमम बैलेंस पे कोई भी लिमिट देखने को नहीं मिलती। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ऐड करने की कोशिश कर दूंगा, आप चेकआउट कर लेना एक बार। बाकी अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो एक बेस्ट बैंक अकाउंट को लेके तब आप इस वाली वीडियो को देख सकते हो। बाकी भाई अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो आप।